दूत को भी नमन करते हैं जिन्हें हम सम्मान के साथ ऋषांगरों कहकर पुकारते हैं, जिनके सतत संघर्षों का फल है ये झारखंड प्रदेश। ये हमारा सौभाग्य है कि दशम गुरु श्री शिबू सोरेन का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है, राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में और राज्यसभा के सांसद के रूप में भी। हेमंत सोरेन इस भव्य और दिव्य झारखंड आदिवासी महोत्सव की जो प्रेरणा है, आदिवासियों का कल्याण और समृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान पर है। हम नमन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को, उनके विजन को और उनके प्रयासों को। देवी सज्जनों, हमने इस महोत्सव में प्रयास किया प्रदेश के 32 आदिवासी समुदायों के जीवन दर्शन से दुनिया परिचित हो, हमारे समृद्ध विरासत को देखे, हमारे जीवन मूल्यों को समझें। आइए इन मूल्यों को हम भी आत्मसात करें, जल जंगल जमीन को बचाएं, इस धरती को बचाएं, ताकि हमारा भी जीवन सुखमय हो। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की शुरुआत कल रीज रंग रसिका रैली के साथ हुई, जिसमें हमारे 32 आदिवासी समुदायों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। दो दिन के इस आयोजन में भारी संख्या में दर्शकों का देर रात तक तांता लगा रहा। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी चित्रकला शिविर, आदिवासी फिल्म महोत्सव, फैशन शो और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। स्वादिष्ट आदिवासी व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र रहे। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक के विकास और इंटरनेट ने हमारी सोच और काम करने के ढंग को गहरे तक प्रभावित किया है। आज वर्चुअल दुनिया हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है और अपनी आदिवासी संस्कृति को, गीत संगीत और परंपराओं को सहेजना है, आत्मसात करना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आगे मिलकर ये संकल्प है। पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया और मनाया जाता है। दुनिया के लोग आदिवासी संस्कृति के समावेशी स्वरूप को जानें, उसे सम्मान दें, उसे अपनाएं, यही इसका उद्देश्य है।
आज है ये हमारा सरना ध्वज देवियों से तुम्हारी स्मृति का गौरव बढ़ता रहे, जल जंगल जमीन का संरक्षण होता रहे, हमारे समाज का हर वर्ग सौहार्द और भाईचारे के भाव से प्रदेश और देश के विकास में सहभागी हो, यही हम सब की कामना है, यही प्रार्थना है। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से हृदय से आभार इस आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण सांसदगण विधायकगण वरिष्ठ अधिकारियों का और उन सभी आदिवासी समुदायों के भाइयों बहनों और कलाकारों का जो इसका हिस्सा बने और इसे शिखर तक पहुंचाया लोकप्रियता के, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भारत, जय झारखंड।